कुछ और आलेख। आलेख तीन, उच्चतर माध्यमिक शाला जमराव के छात्रावास में किसी एक सप्ताह के अलग अलग दिनों में छात्रों की संख्या और उनके लिए पकाई गई दाल की मात्रा के आंकड़े निम्नानुसार थे। छात्र संख्या 16, 19, 22, 23, 21, 18 और 17। दाल की मात्रा किलोग्राम में क्रमशः 1.280, 1.520, 1.760, 1.840, 1.680, 1.440 और 1.360 आंकड़े यानी छात्र संख्या और दाल की मात्रा के रूप में है। क्या छात्रों की संख्या और उनके लिए पकाई जाने वाली दाल की मात्रा में कोई संबंध है? आइए इसे आलेख बनाकर समझें। आप देख रहे हैं कि दाल की मात्रा छात्रों की संख्या घटने बढ़ने के साथ ज़्यादा या कम हो रही है। क्या इस बदलाव की कोई निश्चित दर है? आपस में चर्चा करें। इस आलेख में एक बात ध्यान देने की है कि यहाँ ग्राफ 0-0 से शुरू नहीं होता। ऐसा कई आलेखों में होता है जहाँ कई बार आंकड़े 0 के नज़दीक से शुरू नहीं होते। ऐसी स्थिति में हम आलेख पर चिन्ह के द्वारा खाली जगह दर्शाते हैं। जैसे ऊपर दिए गए आलेख में एक्स अक्ष पर आंकड़े 16 से शुरू होते हैं और 1 से 16 के बीच कोई आंकड़ा नहीं है, इसलिए एक्स अक्ष पर मूल बिंदु 0 से 16 के बीच के भाग को चिन्ह से दर्शाया गया है। सोचें एवं चर्चा करें। यदि दिन क्रमांक के साथ पकाई दाल की मात्रा अथवा उपस्थित बच्चों का आलेख बनाएं तो वह कैसा होगा? आलेख चार, फूलमती ने अपने घर के लिए 4 किलोग्राम चावल खरीदा। उसके यहाँ रोज 500 ग्राम चावल पकता है। क्या हम प्रत्येक दिन बचे हुए चावल का आलेख बना सकते हैं? हल, इस आलेख के आंकड़े यानी दिन और बचे हुए चावल की मात्रा के रूप में है। पहला बिंदु 1.3.5 और पांचवा बिंदु 5.1.5 है। आप देख रहे हैं कि दिनों की संख्या बढ़ने के साथ बचे हुए चावल की मात्रा कम होती जा रही है। क्या आप आलेख को देखकर बता सकते हैं कि चावल कब खत्म हो जाएगा? आइए कुछ करके देखें। पहला, अपने आसपास से इसी प्रकार के आंकड़े इकट्ठे कर इन आंकड़ों से आलेख बनाइए। दूसरा, आलेख तीन और चार दोनों सरल रेखा हैं, किंतु दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं। इनमें क्या क्या फर्क है? तीसरा, आलेख तीन और चार में एक्स वाई की तालिका बनाएं। आलेख पांच, वर्गों की एक भुजा की माप व उन वर्गों के परिमाप को सारणी में प्रदर्शित किया गया है। वर्ग की भुजा की माप सेंटीमीटर में 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इनके संगत वर्ग का परिमाप सेंटीमीटर में क्रमशः 4, 8, 12, 16, 20, 24 और 28। सारणी के आंकड़ों से आलेख बनाइए तथा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक, एक्स अक्ष पर कौन सा आंकड़ा चुने? दो, वाई अक्ष पर कौन सा आंकड़ा चुने? हल, इस आलेख में हम देख पा रहे हैं कि वर्ग की एक भुजा की माप में वृद्धि होने पर उसके परिमाप में भी वृद्धि हो रही है। ऊपर दिए हुए आंकड़ों में वर्ग की भुजा की माप एक स्वतंत्र चर है और वर्ग का परिमाप आश्रित चर है। अतः एक्स अक्ष पर वर्ग की भुजा की माप और वाई अक्ष पर वर्ग की परिमाप दर्शाएं। आलेख छः, किसी वर्ग की एक भुजा की लंबाई में परिवर्तन करने पर प्राप्त हुए क्षेत्रफल को नीचे सारणी में दर्शाया गया है। इनकी सहायता से एक आलेख बनाइए। वर्ग की भुजा की माप सेंटीमीटर में 0, 1, 2, 3, 4, 5,
6 और 7। वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्रमशः 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36 और 49। हल। वर्ग की भुजा और उसके क्षेत्रफल के बीच खींचे गए आलेख को देखने पर यह पता चल रहा है कि भुजा की लंबाई बढ़ने पर क्षेत्रफल का मान भी बढ़ता है, किंतु यहाँ सरल रेखा के स्थान पर ऊपर उठती हुई एक वक्र रेखा प्राप्त होती है। सोचें और चर्चा करें। आलेख 5 व आलेख 6 में आपको क्या क्या और अंतर दिख रहे हैं, चर्चा कीजिए।